नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज न्यूज इंडिया। इंदौर ग्राम पंचायत कदवाली बुजुर्ग गांव के हितग्राहियों को नहीं मिला सरकारी योजनाओं का लाभ। कई बार दे चुके आवेदन, समस्याओं शौचालय की हो या मकान की, किसी भी प्रकार का नहीं मिलता पंचायत से लाभ। पंचायत सरपंच सुभाष चौधरी और सचिव महेंद्र सिंह चौहान, यह लोग नहीं सुनते हमारी और कहीं योजनाओं का नहीं मिला लाभ। हितग्राहियों ने सरपंच पर लगाया आरोप कि हमारे कच्चे मकान को सरपंच के द्वारा पक्का बताकर हमें योजनाओं से वंचित कर दिया। साथ ही कुछ घरों से सरकारी योजनाओं से बने शौच की किस्त दी गई, बाकी पैसा हमें आज तक नहीं मिला और कुछ लोगों को शौचालय भी नहीं मिला। पंचायत के द्वारा सरकारी पैसे से सामुदायिक भवन बनाया गया पर उसे पूरा ना बनाकर उसे अधूरा ही छोड़ दिया। हमारा समाचार पत्र आबादी की गूंज और चैनल आज की आवाज न्यूज लगातार इस गांव के कई फर्जीवाड़े को कर चुका है उजागर। देखिए हमारी खास खबर, गांव के लोगों की पीड़ा। आज की आवाज न्यूज के साथ इंदौर से गौरव जैन की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गौरव जैन, खड़े हैं हम बड़ी कदवाली बुजुर्ग में। हितग्राही के द्वारा जिनको मकान मिलना था आवास योजना के द्वारा, तो उनको मिले या नहीं मिले, आइए जानते हैं इनकी समस्या। आपका नाम? रमेश जाकवा। आपको क्या समस्या है मकान के लिए? मकान के लिए 14 महीने हो गए, हमने करी थी सांवर में, तो उसकी सुनवाई नहीं हुई अभी। 14 महीना और कच्चा मकान है। अधिकारी द्वारा क्या बताया गया आपको? हाँ, हाँ करेंगे, बस तुम्हारी हम आगे तो योजना आएगी करेंगे। क्या कोई आज तक नहीं आई? क्या कोई सूची में नाम आपका गया है कि आपका मकान बनेगा नहीं बनेगा? भाई वो सूची में गए तो सरपंच सुनते नहीं। क्या बोलते हैं सरपंच और सचिव? आर एन यू को आगे से योजना आएगी, सामने सब बताएंगे। फलाना ढेकड़ा तो कहीं भी नहीं हुआ आज तक। मकान को लेकर किसी अधिकारी ने आपको आश्वासन दिया है? नहीं दिया नहीं। कहीं भी कब तक बनेगा, क्या बनेगा? आएगी आगे से व्यवस्था हम करेंगे, तब कहीं व्यवस्था नहीं है। लेने आते जब भी आते। आपका आवास योजना के तहत आपको कोई लाभ मिला या नहीं मिला? मुझे तो ठीक है, किसी भी परिवार को नहीं मिला, दलित परिवार। आपने इसकी कंप्लेन की? हमने सभी 26-27 व्यक्ति होने की कंप्लेन की, जनपद ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस भी सब दूर, और पंचायत में भी शिकायत की। तो अधिकारी द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया? अधिकारी आते हैं, सरपंच साहब के घर आते हैं, चाय पानी पी के चले, हमारे घर तक तो आने नहीं। क्या क्या सरपंच के द्वारा बताया नहीं गया कि आपको योजना का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा? जब तक सरपंच में रहूंगा और मंत्री में रहूंगा, जब तक तो आपका कोई काम होने ही नहीं दूंगा। सरपंच कौन है? सरपंच है श्रीमती कृष्णा बाई, बाकी उनके पति द्वारा बोला जाता है। कौन है पति, कौन नाम बताओ उसका? पति है सुभाष चौधरी। सुभाष चौधरी। और सचिव क्या बोल रहा है इसमें? इस पूरे सचिव बोल रहा है कि जब तक हम मंत्री रहेंगे इस पंचायत में, जब तक आपका राजेश और मुकुट पिता रतन लाल का काम बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्यों ऐसा ये लोग क्यों बोलते हैं? क्या मालूम क्या जलन है उनसे। हम आगे गए ना, सीएम हेल्पलाइन पे भी हमने शिकायत की, वहाँ से भी वो 2-4 बार आ गए हैं। बाकी अधिकारी आते हैं, फोटो खींच जाते हैं, चले जाते हैं, ये यहाँ से रवाना करते हैं। आपके परिवार में कितने मेंबर है? जो परिवार में 7 है। 7 मेंबर इस मतलब इस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं। और आपने पूर्व में कितने दिन पुराना आवेदन करा? आवेदन कब करा? हमने कम से कम ये 5 साल में कम से कम 10 बार आवेदन कर चुके हैं, और पूर्व में अभी फिलहाल जो पास में किया करीब करीब 5-6 महीने पहले। क्या आवास सूची में आपका नाम वगैरह आया है? नाम बोले के आ गया है, नाम हमने जोड़ दिया है, जनपद में पहुंचा दिया है। बाकी हम पूछते कि बताओ हमको तो संतुष्टि दिलवाओ, तो बोले के हमने कर दिया सब। एक बार आपका नाम बता दो। मुकुट पिता रतन लाल। नाम? संतोषी जाटवा नाम है मेरा। आवास योजना के तहत आपके मकान को लाभ मिला? नहीं मिला सर, वो नहीं सर, 14 महीने हो गए, बोला था कि हाँ करेंगे, कुछ नहीं कर रहे। इसका आवेदन कहाँ भरा था? बहुत परेशानी उठे, पूरा घर में पानी छिड़ रहा है, बहुत आफत है, सोने की आफत पड़ रही है हमको। इसका आवेदन कहाँ भरा? पक्का एक अच्छा घर है, पक्का घर लिख के चले गए ना, कहाँ अभी तक कुछ लाभ ही नहीं मिला। इसका आवेदन कहाँ भरा और कौन सा अधिकारी को दिया आपने? सावेर भरा हमने, उसका अधिकारी का नाम तो याद नाम तो याद नहीं रहा, 14 महीने हो गए, नाम भूल गया। अधिकारी द्वारा क्या कहना है? क्योंकि हाँ करेंगे, कोशिश चल रही है, आवेदन लगाना देंगे, करेंगे। आवास सूची में आपका नाम आया? आवास सूची में नाम था आपका? आवास सूची में नाम था था हमारा। चलिए एक बार नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम संतोष जाटवा। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह। अभी हम इस समय जो खड़े हैं कदवाली बड़ी बुजुर्ग करके जगह है, इसमें हितग्राहियों की कई सारे लोगों की शिकायत थी कि हमें आवास की जो योजना है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं लाभ मिला, क्या कारण रहा, इसमें जो पंचायत है पंचायत की क्या भूमिका रही,
पंचायत इनके साथ में क्यों काम नहीं कर रहा है, क्या इनको समस्या का तकलीफ उठाना पड़ रही है? आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। नाम बताओ भैया। मेरा जमुना सोलंकी। आपका जो ये कच्चा मकान है इसका क्या आपने फॉर्म भरा है? भरा था सर, पर हमको ये बोलते हैं आवास योजना का आपका नाम जुड़ गया, हम दौड़ते हैं और हमारा हमको कुछ भी लाभ नहीं मिलता इसका। कितना समय हो गया, मतलब आपने कब किससे किस जगह से पूछा कि लाभ अपना नाम जुड़ा नहीं जुड़ा? हम वहाँ कलेक्टर ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे फॉर्म डालते हैं, हम पढ़े लिखे तो है ना, तो हम फॉर्म डाल के आ जाते हैं तो वहाँ से बोलते हैं सांवेर चले जाओ, हम सांवेर जाते हैं, सांवेर से बोलते हैं तो आपके पंचायत में चले जाओ, हमारी पंचायत में जाते हैं तो हमारे यहाँ का सरपंच मंत्री जी कहते हैं कि आपका नाम हमने जोड़ दिया और हमको 5 साल हो गए उसको सरपंच बने का, हमको कुछ लाभ नहीं मिलते। मतलब सीधी सी बात करें कि ये सरपंच सचिव से भी ये आश्वासन दे रहे हैं कि आपका नाम जुड़ गया ये हो गया, आज तक आपको लाभ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। इसमें सरपंच के कई और भी लोगों ने शिकायत करी, क्या सरपंच की कोई ऐसी कोई भूमिका है कि आपको आवास की योजना नहीं मिल पाई है, ऐसा ऐसा कुछ उसका लगता है आपको? हाँ, सरपंच हमारा कुछ नहीं करता, सरपंच की इसमें जालसाजी है। क्या नाम है सरपंच का मालूम है आपको? उसका उसकी घरवाले का कृष्ण सुभाष चौधरी भी काम के लिए जाते हैं और हम हमारा काम नहीं करते हैं और हमारे इधर नल पाते तो वो नल दिन हमारा घर। चलिए अभी हमने कुछ हितग्राही से बात करी, अभी इनका जो आरोप है सरपंच सचिव जो पंचायत के हैं ये क्यों उनका इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, क्या कारण रहा इस उस पूरे मामले को हम प्रशासन को बात करेंगे कि लोगों को आगे से चल के सूची में नाम जोड़ा जा रहा है, जिनके कच्चे मकान को पक्के मकान दिए जा रहा है, जो कि सरकार बात करे सरकार बड़ी बड़ी योजना चला रही है, सब सारी सब चीज़ें कर रही है, क्यों लोगों को सिर्फ पेपर पे बताया जा रहा है कि आपको आज नहीं तो कल मकान मिलेगा, अभी तक क्यों मकान नहीं मिला? क्या नाम आपका? ये जो आवास मकान जो आपका बना है कच्चा मकान है, क्या ये आवास योजना के इसमें आपने कभी फॉर्म भरा है? भरा ना सर, तो सागर गए थे, तहसील सागर गए थे, वहाँ पे फॉर्म भी भरा था हमने और सरपंच को खबर हो गई थी, सरपंच जो अधिकारी आए थे उनको बोल दिया हमने कि इनका काम मत करना। काम मत करना मतलब? हाँ, थोड़ा सा दिल बताओ कि मतलब उनने पैसे की डिमांड करी थी या काम नहीं करना, मतलब अधिकारी देखने आया घर पे, घर दे गया कच्चा, ठीक है, कच्चा घर देख के वो चला गया और उसने पक्का लिखा दिया, पक्का लिखा दिया कच्चा मकान पक्का बता दिया। ये किसने बताया? सरपंच ने। अच्छा, तो आपने बोला नहीं कि भैया ये ऐसा गलत आप क्यों कर रहे हैं? नहीं तो वो बोल गया ना, वो तुम्हारा काम नहीं करेंगे। अच्छा, और हम जाते हैं तो आपको बंदूक तुम्हारा नाम डाल दिया हमने। इसकी शिकायत अधिकारी से करी क्या? अधिकारी से करी ना सर। किससे करी, क्या अधिकारी? ये हमने डाला था ना सावेर में। अच्छा, क्या 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 अधिकारी ने क्या बोला? वो बोला हो जाएगा ना, हो जाएगा। और अभी तक क्या सूची में नाम आया आपका? लेटरिंग का भी बोला तो कभी योजना ही नहीं है और मकान का बोला तो योजना ही नहीं है, योजना नहीं है और ओपन भी नहीं मेरा। देखिए एक अच्छी बात हमें कुछ हितग्राही से पता पड़ी है, ये सरपंच सचिव जो बोल रहे हैं कि योजना बंद हो चुकी है, सरकार की इतनी बड़ी लाखों का करोड़ों का काम कर रहे हैं और योजना को पूरी तरह ने नकार दिया कि योजना बंद हो गई। अब ऐसे ही इस पंचायत के सरपंच सचिव, देखिए इस पूरे मामले की शिकायत हम लोग जो आगे अधिकारी से करेंगे और जहाँ तक होगा कि मोदी का जो सपना है आवास, हर आदमी को आवास मिले, हर आदमी को हर चीज़ की फ़ायदा मिले, हम ऐसी पूरी पहल हमारी जो है इस पूरे मामले को हम प्रशासन के सामने रखेंगे और एक पूरा एक डाटा हम माननीय मोदी जी को भी भेजेंगे कि आपकी जो योजना है तो कितना किस लोगों को फ़ायदा मिला नहीं मिला, इस पूरे मामले को हम एक्सपोज करेंगे। अभी कुछ हितग्राही से हमारी कदवाली बुजुर्ग में चर्चा हुई है जो कि आवास योजना को लेकर उनको लाभ नहीं मिला है, अब उसमें जानिए कुछ लोगों से हम जानते हैं। इसमें सरपंच सचिव पंचायत के जो है उन्होंने का कहना, अधिकारी इनको जब चेक करने आया कि वास्तव में मकान कच्चा है या पक्का है, तो उन्होंने द्वारा यहाँ से तो कच्चा मकान देख के गए पर उनमें जो सूची में उन्होंने पक्का नाम लिख के इनको जो योजना का लाभ मिलना वो लाभ किसी प्रकार से नहीं मिल पाया। आइए इनसे जानते हैं, सीधी सी बात करते हैं हम कि कैसे लाभ नहीं मिला और क्या घटना घटी। सर आपका नाम बताइए। हाँ सर, मेरा नाम संतोष है, संतोष राठौर। वो आवेदन करा था हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए जो 14 महीने हो गए, उनको बोला भी सही तो कोई सामने से कोई अधिकारी आया था, वो मकान चेक करने सर्वे करने आया था, तो वो अपना मकान जब कच्चा है वो लिख गए पक्का,
बोले पक्का यार तुमको नहीं मिलेंगे। तो कैसे कच्चा देख के पक्का कैसे लिखा? हाँ क्या मालूम सर, वो घर अंदर घर में भी गए थे, नीचे ये फर्सी लगी हुई है, तो बोले तुम्हारा मकान पक्का है तुमको नहीं मिलेगा, नीचे फर्सी लगी हुई है लाल फर्सी, ऐसा बोल के गए वो। ये अधिकारी ने छत देखी कि सिर्फ फर्सी देख के पक्का है? सर हम घर पे भी नहीं थे और वो फर्सी देखी, नीचे की चद्दर अदर क्या मालूम देखा नहीं देखा उनने, और बोले पक्का है उन्होंने, तो वो कागज की भर्ती ले लिया वो उसकी पुष्टि कर दी, उसको नहीं मिलेगा। आपका एक मामला और कुछ लोगों ने बताया है कि आपकी जो शौचालय बना है शौचालय का भी आपको लाभ नहीं मिला, क्या रहा? हाँ सर वो शौचालय भी हम इंतजार में थे कि वो मिलेगी तो अपन बनाएंगे, अब उसके बाद में नहीं मिली हमने, फिर बाद में बने और वो पंचायत में कागज बताया गया, बोले तो ये तुम्हारी साइन है और तुमको मिल गई, तो मैंने ही बोला उनके मैंने साइन ही नहीं करी, मेरे को कोई ने बोला नहीं साइन करने का, बोले तुम्हारी साइन है हम थोड़ी मानते। मतलब सीधा सीधा आरोप ये लगा रहे हैं आपकी शौचालय जो है शौचालय आपने आपके पैसे से बनाया? हाँ, हमारे पैसे और पंचायत का ये कहना है कि हमने बना के दिया। हाँ बोले तुमको ये शौचालय मिल गई और ये तुम्हारी साइन है कागज पे, मतलब कुल मिला के इन्हें फर्जी साइन करके आपका हाँ। जो शौचालय का जो फंड है हाँ। वो भी उन्होंने कहीं ना कहीं गोलमोल कर, हाँ, कर दिया सर वो भी हाँ। वो मेरी साइन जब मैंने साइन ही नहीं करी तो मैं काय को झूठ बोलूं? क्या कोई अधिकारी को आपने शिकायत करी? नहीं करी अभी तक सर कुछ भी। अच्छा आगे आप क्या बोलना चाहते हैं कि मतलब क्या सरपंच सचिव काम अच्छा कर रहे हैं पंचायत के कि मतलब गलत कर रहे हैं, लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं जो भी है? वो तो सर नहीं बोल सकते, पर ये जो क्या है जो ईमानदारी की बात है वो ईमानदारी पे चलो ना, जब मकान कच्चा है तो पक्का लिखने की जरूरत ही नहीं, और पक्का है तो पक्का है, इसमें हम भी इसमें सर हम भी अगर झूठ बोलेंगे तो हम भी तो दादागिरी चलती है, हम भी गलत है ना उसमें, जब कच्चा मकान को पक्का लिख गए तो हमको उसी बात से ये दुख हुआ कि जब कच्चा मकान पक्का मकान जब लिख के गए तो भले नहीं मिले पर इसकी जानकारी हमको बुरी बुरी चीज चाहिए कि ये कच्चा मकान है पक्का मकान है। एक बार आपका नाम? संतोष राठौर। बताइए भैया क्या इनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ? ये सर के सामने से जो अधिकारी आए थे चेक करने, तो उन्होंने चेक करा यहाँ पे आया तो उन्होंने कहा आपका घर तो पक्का, आपके घर में नीचे फर्सी लगी है, नीचे ये फर्सी देख के ये टुकड़े लगे हुए फर्सी के पक्का लिख के चले गए, रिजेक्ट कर दिया कि इनको नहीं मिलेगा लाभ, इनको लाभ नहीं मिलेगा। यूँ क्या कभी कुछ ऐसी किसी अधिकारी साहब ने बात करी कि साहब हमारा कच्चा मकान है पक्का आपने कैसे लिख दिया? बस न्यू के लिख दिया हमने, न्यू के आपका मकान ही पक्का है। मतलब कुल मिला के सरपंच सचिव नहीं चाहते कि वो मकान मिले? नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते ही नहीं, वो तो सर पंचायत में जाते हैं तो वो तो धुतकार के लगा देते हैं। ऐसे कितने घर होंगे जो लोग इन सरपंच सचिव के कारण परेशान हैं? कम से कम सर 40 घर। तो क्यों ये काम नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? क्या कुछ पैसे की मांग करते हैं या क्या है? पैसे की मांग तो नहीं करते वो, लेकिन नहीं करते बस, उनको फुर्सत ही नहीं सर, पंचायत खुलती नहीं है, खुल जाती है तो वो अधिकारी वहाँ पे मिलते नहीं है, सरपंच सचिव वो मिल जाते हैं तो उनके योजना बनते 5 साल से यही बोलते आ रहे हैं योजना ही नहीं है, साइड बंद है, साइड बंद है, नाम बोलता दिया, हेल्पलाइन पे कंप्लेन करी तो बोले आपने वहाँ कंप्लेन करी तो वहीं से जाओ और काम करवा। भैया क्या समस्या है? भैया ये समस्या है यहाँ पे संतोष राठौर के, यहाँ संतोष राठौर के उनका पक्का मकान लिख दिया है, कच्चा मकान को पक्का मकान, कच्चे मकान को पक्का, और एक शौचालय भी इनने जो अपने पैसे से बनाया है उस शौचालय का भी पैसा इन लोगों ने निकाल लिया। हाँ इन लोगों ने फर्जी नाम डाल के निकाल लिया, और ऐसा कुछ इनका सरपंच सचिव का कहना है कि हमने सर आपने साइन करी कितनी बार और इन्हें साइन ही नहीं करी ना सर? अच्छा वो बोले मैंने साइन ही नहीं करी और उनका नाम लिख दिया, साइन करी है और उनको अब नहीं मिलेगी लेटरिंग। आपका नाम बताओ? धर्मेंद्र चौहान। सबसे एक अच्छी बात यह है कि सरपंच सचिव किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, लोगों से हमने जो बातचीत करी है उसमें कई चीज़ों के खुलासे हुए हैं कि जिन हितग्राही को शौचालय ने अपने हित से बनाया उसका पैसा भी वो लोग निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि आपको शौचालय नहीं मिलेगा ना आपको आवास की योजना मिलेगी। क्यों इस प्रकार से जो लोग सरकार एक अच्छी स्कीम चला रही है कि हर हितग्राही को मकान मिले शौचालय मिले, तो ये उन तक सारी चीज़ें क्यों नहीं पहुँचाना चाहते हैं? इस समय गौरव जैन के साथ मैं मनोज सिंह, आज के बाद न्यूज़ इंदौर।